हम आज बना रहे हैं छोला। छोला तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, खाए होंगे, और सबके बनाने के अपने अपने तरीके हैं। पर जो मैं इस बार छोला बना रही हूँ वो है एकदम इजी और फटाफट बनने वाला, और इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगे। बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच वीडियो करिए और आप बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे गीताज वर्ल्ड में, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जो है नए लोग सब्सक्राइब करें। और ये है काबुली चना जिसे हमने रात भर भिंगा दिया है, और रात भर नहीं भिंगाना है तो कम से कम 7-8 घंटा तो भिंगाना ही है। और इसे हम भिंगा कर रख दिए थे, अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर में लेंगे, उसमें हम डाल देंगे उसके डूबने चने से 1 इंच जितना ऊपर पानी रखेंगे, और इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, मरीच और इलायची जो काली वाली बड़ी वाली आती है वो डाला है, और साथ में जो है हींग डाला है। और डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे हम बंद कर देंगे, और 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगाएंगे और 4 सीटी लो पर लगाएंगे। बहुत आराम से पक जाता है। और इधर हम इसे मसाले की उसकी तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा और साथ में डालेंगे हींग। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने अच्छे से कूट लिया था उसे डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, भूज लेंगे ताकि इसकी जो है कच्चापन निकल जाए। जब अदरक लहसुन मिर्ची पक जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमने यहाँ पे बड़ी साइज की जो है 2 प्याज लिए, उसे चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे छोटा छोटा चॉप करना ज़रूरी है, और इधर प्याज हमारी भूज रही है तब तक हम यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने धनिया पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, और साथ में लिया है काला नमक लिया है, और ये है छोले मसाले 2 चम्मच भर के लिए हैं, और जिसमें हमने लहसुन कूटा था उसी में से मिलाकर हमने पानी डाल लिया है, और उसको अच्छा सा लिक्विड सा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा प्याज बनकर तैयार हो गया है, यानी कि भूज कर तैयार हो गया है। इसमें जो हमने मसाले ग्रेवी जैसे सूखे पानी डालकर तैयार किए थे उसे डाल देंगे, और मसालों को अब अच्छे से भूजेंगे, क्योंकि हमारा जो छोला मसाला होता है वो पैक आता है बाज़ार से, उसके मसाले जो है वो उसकी स्मेल जो है ना वो दब सी जाती है। तो यहाँ हमें तेल के साथ भूजना, मसालों में भूजना बहुत ज़रूरी होता है, इससे उसकी खुशबू आग में आप निकलने लगती है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 बड़े टमाटर जो है हम पीस के, यानी कि उसका पेस्ट डाले हैं। अब इसको डालकर थोड़ा सा यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे, ताकि इसमें टमाटर डालने के साथ थोड़े से नमक की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे नमक आप बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, जब हम छोले पका रहे थे तब भी नमक डाले थे, और जो है हम अभी भी नमक डाले हैं। और ये देखिए हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी ट्रिप्स है, ये देखिए ट्रिक्स, इसको अपनाएंगे ना तो ये आज बहुत अच्छा छोला बनेगा। हमने थोड़े से छोले को लेकर मसल लिया है और कितना अच्छा बॉयल हो गया है। इसे हम डाल के अच्छे से यहाँ पे भूज लेंगे इन मसालों के साथ ही, उस छोले को भी जो हमने मसल के डाला है। उससे क्या होगा, ग्रेवी एकदम थिक बनेगी और आपका छोला बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने उसके सूखे मसाले जो तेज़पत्ते थे, दालचीनी थी, इन्हें निकाल लिया था, इलायची को निकाल लिया था, और यहाँ पे छोले को हम डाल देंगे, और यहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट छोले के साथ पकाएंगे, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें पक चुकी हैं, छोला भी अपने मसालों के साथ पक चुका है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब केवल दोनों को मिक्स करना है, और छोला आपने देखा ही था कि कितना नरम हो चुका है। अब यहाँ पे हम कम से कम 10 मिनट इसे पकने देते हैं। जब हमारा ढककर इसे पका लेते हैं, और जब ये पक कर तैयार हो जाएगा, ये देखिए कितना बढ़िया, और आपको मैं बता नहीं सकती बहुत अच्छा ये छोला बनकर तैयार हुआ था। और जब ये बन जाएगा तब जब आपको सर्व करना होगा किसी को, तो ऊपर से आप इसे बघार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, 1 रेड चिली खड़ी डाली है, और साथ में जो है रेड चिली पाउडर डाला है, उससे यहाँ पर बघार कर देंगे, और आप यहाँ पर ऊपर से चाहें तो आप वाओ लुक्स यमी स्वाद यमी।